हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट और एनएलपी ट्रेनर हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ असफलता का डर, इस विषय के बारे में। काफ़ी लोगों को असफलता का डर होता है, असफल होने का डर होता है। मतलब ये एक काल्पनिक डर है कि भाई मैं असफल हो जाऊंगा या कुछ तो भी भविष्य में कुछ तो भी ऐसा हो जाएगा कि जिससे मुझे तकलीफ होगी या वो अच्छा दिखेगा नहीं, ऐसा कुछ ना कुछ हो जाएगा, फेल हो जाऊंगा मैं। मतलब उनकी ऐसी कल्पना हो जाती है कि मैं भविष्य में फेल हो जाऊंगा और वो भविष्य में फेल हो जाऊंगा करके उनको डर आज लगता है, राइट नाउ, प्रेजेंट में। मतलब जब उनको डर लगता है तब तो वो असफल होते नहीं हैं। असफल मैं होऊंगा भविष्य में, इसके लिए डर आज लगता है। तो फिर वो क्या करता है, डर लगता है मतलब होता क्या है, डर लगता है मतलब उनको छाती में धड़कन, हाथ कपकपाना, पसीना आना, घबराहट होना, ऐसा ऊपर नीचे करना या इधर उधर घूमना, रेस्टलेसनेस होना, ऐसा कुछ तो भी उनको होता रहता है। बहुत डर, कुछ तो भी हो जाएगा ऐसा। और फिर वो डर सच है कि नहीं, हाँ, क्योंकि बॉडी को ये मालूम नहीं है, अपने बॉडी को, कि ये एक्चुअली असफल हुआ है, एक्चुअली फेल हो गया है या फेलियर की कल्पना कर रहा है। यूजली एक कल फेलियर की कल्पना जो होती है, फियर ऑफ फेलियर, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो वो जो है कि भाई मैं असफल हो जाऊँगा भविष्य में, इसके लिए ये डर होते रहता है। फिर वो लोग करते क्या है, फेल हो जाऊँगा इसके लिए फिर लोग गेम छोटा कर लेते हैं, बड़ा काम लेते नहीं, क्योंकि मैं फेल हो गया तो अच्छा नहीं दिखेगा। छोटा काम, छोटा गेम लेंगे, छोटा काम करेंगे, अपने को पीछे पीछे कर देंगे, जिम्मेवारी लेंगे नहीं, कोई जवाबदारी लेंगे नहीं, कोई काम करने की कोशिश नहीं करेंगे, या फिर कोई जवाबदारी लेंगे नहीं और पीछे पीछे रह के अपने आप को मारेंगे, डिसएम्पावर्ड होंगे, है ना, शक्तिहीन हो जाएंगे और उनको फिर जीने में मज़ा नहीं आता। और छोटे अपने दायरे में वो खेलते रहते हैं, क्योंकि बड़े दायरे में खेलने के लिए उनको बहुत जिगर लगता है। क्योंकि बड़े दायरे में खेलना है तो फिर क्या होगा, बड़ा गेम और असफल होने का डर। ये बताइए, जो जो व्यक्ति सफल हुआ है उसने असफलता का सामना किया हुआ है, जो जो व्यक्ति सक्सेस हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, उसने फेलियर का सामना किया ही है। फिर ये डर आया कहाँ से, ये डर वहाँ से आता है कि भाई मैं पास्ट में, अतीत में, मैं कभी फेल हो गया हूँ या किसी को फेल होते हुए देखता हूँ या देखा है मैंने, तो फिर वो जो पास्ट का डर है वो मैं भविष्य में ला के रखता हूँ और फिर मुझे डर लगने लगता है। यानी जो अतीत है, भूतकाल जो है, वो भूतकाल का डर, भूतकाल में अपयश आया हुआ, वहाँ जो भी कुछ हुआ वो मैंने सामने ला के रख दिया और वहाँ से मुझे डर लगता है। कुछ लोगों को मरने का डर लगता है कि मैं मर जाऊँगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, उसका डर लगता है कि भविष्य में, या कोई ऐसी बीमारी हो जाएंगी कि जिससे मैं मर जाऊँगा, या कैंसर का डर लगता है, या मैं एग्ज़ाम में फेल हो जाऊँगा और फिर लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या कहेंगे वो डर लगता है कि अच्छा दिखेगा नहीं यदि लोग बोलेंगे अरे फेल हो गया तू। तो फिर ये सब डर जो है, इसके लिए करना क्या है, इसके लिए एक ही काम करना है कि जो भी डर लग रहा है वो डर लग रहा है, मैं फेल हो गया तो मैं फेल नहीं हुआ, मैं कुछ एक्शन लेने में फेल हो गया, एक्शन लेने में फेल हो जाऊंगा, इस समझ ऐसा समझ के एक्शन लेने के, नंबर एक। या फिर जो मुझे डर लग रहा है वो भूतकाल से आ रहा है, एक्चुअली मैं फेल नहीं हुआ हूँ, एक्चुअली अभी तो भविष्य आने का है जिसके लिए मुझे डर लग रहा है, इसका एहसास कर लेना। और फेल हो गया इसका मतलब फेल हो गया, और फेल हो गया इसका मतलब मैं फेल नहीं हुआ, मैं जो काम कर रहा था वो काम करने में फेल हो गया। और फेल हो गया इसको बहुत ज़्यादा महत्व देने का नहीं है, फेल हो गया तो फेल हो गया, फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बेकार बात नहीं है, फेल होना और गिर के रहना ये बेकार बात होती है। तो फेल हो गया तो फेल हो गया, जल्दी खड़े रह के, उठ के, कपड़े झटक के फिर काम को लग जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा बोलते हैं कि आप यदि फेल होते हैं तो डबल योर फेलियर रेट्स, आपके फेलियर रेट जो है ना वो डबल करो, जितने बार ज़्यादा आप फेल हो जाएंगे उतना अच्छा है। फेल फास्ट ऐसा बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जितने बार आप फेल हो जाएंगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस, तजुर्बा आपको आता जाएगा। मैं तो हरदम बोलता हूँ कि सक्सेस और फेलियर ये शब्द है नहीं, एक तो आप सक्सेसफुल है, सक्सेस आपको मिला है, या आपको तजुर्बा मिला है,
फेल शब्द आज से निकाल डालो अपने डिक्शनरी में से। थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का शोध किया, रिसर्च किया उसने, 10,000 उसने एक्सपेरिमेंट्स किए। जब उसको पूछा कि आपको कैसा लगा, आपका अनुभव क्या था जब आप 9,999 बार फेल हो गए, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने ये बोला कि 9,999 प्रकार जो है या एक्सपेरिमेंट जो है वो मैं करता हूँ तो इलेक्ट्रिक बल्ब का शोध लगता नहीं है, उसकी खोज होती नहीं है, मुझे मालूम पड़ा। मतलब इतना आप एम्पावरिंग मीनिंग उसको देते हैं, जिस जो मीनिंग देके, जो मतलब देके आपको ताकत मिलेंगे, ऐसा मीनिंग आप देते हैं तो आपको असफलता का डर रहेगा नहीं। तो आज से असफलता का डर बिल्कुल नहीं, जितना फेल होना है उतना मर्जी फेल हो जाओ, जितने बार आप फेल हो जाएंगे उतने जल्दी आप सफलता के पास पहुंच जाएंगे, और असफलता के मतलब जितना आप सफलता के पास जितना जल्दी जाते हो उतना अच्छा है, इसके लिए जितना जल्दी फेल हो जाते हो उतना अच्छा है। तो गिरना कठिन काम नहीं है, गिरना बेकार काम नहीं है, गिर के रहना बेकार काम है। आज से काम को लग जाओ, आज देखो कि आप कौन सी बातें, कौन सी कृति आप कर नहीं रहे, कौन से काम में आप हाथ नहीं डाल रहे, कहाँ कहाँ आपने चीज़ें पोस्टपोन की है, और पोस्टपोन इसलिए की है कि मैं फेल हो जाऊँगा या मुझे सफलता मिलेंगी नहीं या मेरा लॉस हो जाएगा। आपने कोई धंधा चालू नहीं किया होगा, क्यों? क्योंकि डर लगता है कि मैं पैसा खो दूंगा। आपने कोई एग्ज़ाम दिए नहीं, कोई एजुकेशन आपने लिया नहीं, क्योंकि मैं फेल हो जाऊँगा। आपने कोई गेम में हिस्सा नहीं लिया, आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है, आत्माभिव्यक्ति, वो आपने किया नहीं, क्योंकि मैं फेल हो जाऊँगा और लोग क्या कहेंगे। या फिर कोई भी एक्टिविटी में आपने भाग नहीं लिया, तो जो भी जहाँ भी आपने भाग लेना, हिस्सा लेना बंद किया है, आज कृति कर लो। फेल हो गया इसको कुछ महत्व देने का नहीं है, फेल हो गया इसका मतलब फेल हो गया, काम को लगने का है। तो आज अभी आप वीडियो देख रहे हैं, आज ही आपने एक्शन लेने की, आज कम से कम 3 एक्शन लो, जहाँ आपने एक्शन रोक दिया वो 3 एक्शन आपने आज लेने की है। और आपके जैसे बहुत ऐसे लोग होंगे, आपके परिचित होंगे कि जो फेल होंगे इसलिए उन्होंने काम चालू नहीं किया होगा, वो डर के मारे काम नहीं चालू किया होगा, वो रुक गए होंगे, उनको ये वीडियो शेयर करो। ये वीडियो शेयर करते हैं जरूर उनको कुछ ना कुछ ओपन अप हो जाएगा, जरूर वो एक्शन लेंगे और एकदम बलशाली समाज की निर्मिति करेंगे। सो आपको अच्छा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।